हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी रसोई में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूंग दाल की ठंडी चाट और उसके साथ में खट्टी मीठी चटनी और हरे धनिए की चटपटी चटनी। आइए देखते हैं ठंडी चाट बनाने की पूरी रेसिपी। मूंग दाल की ठंडी चाट बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो मूंग दाल ली हुई है। इसे मैंने 4 से 5 घंटे पानी में भेज दिया है। 4 से 5 घंटे हो चुके थे, अब इसे मैंने अच्छे से साफ करके 3-4 बार धो के पानी से मिक्सी में पीस लिया है। इसे पीस कर हमने इस तरह का पेस्ट बना लिया है। ये हमारा इस तरीके से पेस्ट बन चुका है। अब इसमें हम थोड़ा नमक डालते हैं। यहाँ हम इसमें थोड़ा नमक डालते हैं, ज्यादा नमक नहीं डालना है। आधा छोटा चम्मच हींग डालते हैं। मूंग दाल के मिश्रण को अच्छे से नमक और हींग को अच्छे से मिलाएंगे और इसे कम से कम 5-6 मिनट के लिए चम्मच या चमचे की सहायता से इसे इस तरीके से फेंटेंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक के लिए हम अपनी गैस पर कढ़ाई को रखते हैं। कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब हमारा तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें पकौड़ियाँ डालना शुरू करेंगे। मूंग दाल के पेस्ट को हमारे 10 मिनट हो चुकी हैं। इसे हम चम्मच से अच्छे से और फेंटेंगे। जितना हम इसे अच्छे से फेंटेंगे उतनी हमारी पकौड़ियाँ बहुत मुलायम बनेंगी और अच्छी फूली फूली आएंगी। देखते हैं हमारा तेल गर्म हुआ कि नहीं। इसमें थोड़ा सा हम एक पकौड़ी डाल के देखेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम हाथों से या फिर आप किसी भी चम्मच से इसमें पकौड़ी बना बनाकर गोल गोल इस तरीके से डालेंगे। साइज अपने हिसाब से रखना है। अगर आपको छोटी चाहिए तो छोटी बना सकते हैं और बड़ी चाहिए तो बड़ी बना सकते हैं। गैस को हमें फुली रखना है। ट्यूबिन में बहुत पानी होता है इसलिए हमें आंच को तेज रखना है और इसी तरीके से हमें अपनी कढ़ाई में सभी पकौड़ियों को डाल देना है। कड़छी से हम इनको चलाएंगे, इन्हें उल्टे पलटेंगे। हमारी पकौड़ियों में अच्छे से कलर आ रहा है। हमने अपनी सारी पकौड़ियां पलट ली हैं। कड़छी से चलाते ही रहना है हमें, नहीं तो हमारी पकौड़ियाँ एक साइड से ही जल जाएंगे। न में हिलाते हुए ये ध्यान रखना है, पकौड़ियों को तेल में हिलाते रहना है। हमारी पकौड़ियाँ अच्छे से सिक चुकी हैं, इनका कलर भी बहुत अच्छा गोल्डन हो चुका है। अभी हम इन्हें चमचे की मदद से कढ़ाई के साइड में लाके धीरे धीरे से ऐसे उतारेंगे, जो इनका एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में ही रह जाएगा। अब इसी तरीके से हमें दोबारा अपनी पकौड़ी को कढ़ाई में डालना है। हमें अपनी सभी पकौड़ियों को इसी तरीके से बनाना है। हमने अपनी सभी पकौड़ियां बना ली हैं, अब इन्हें हम ठंडी होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपनी चाट के लिए चटनी तैयार करते हैं। यहाँ मैं 2 तरह की चटनी बनाऊंगी, हरी चटनी और मीठी खट्टी चटनी। ठंडी होने के लिए 10 मिनट के लिए रखेंगे, फिर इन्हें हम बाद में ठंडे पानी में डाल देंगे। अभी इन्हें हम ऐसे ही रखेंगे। हरे धनिए की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, 8-10 लहसुन की कलियां ली हैं, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया, स्वाद अनुसार मैंने हरी मिर्च ली है और ये मेरा हरा धनिया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे। हम सभी को अपनी मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसी के साथ हम बाकी के बचे हुए मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने सौंफ धनिया पाउडर डाला है,
यहाँ मैंने 1.5 बड़ा चम्मच सौंफ धनिया डाल दिया है, स्वाद अनुसार काला नमक डाला है, यहाँ 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है, थोड़ा पानी डालेंगे, अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, इसे हमें ज्यादा टाइट नहीं रखना है, जार को थोड़े से पानी से धो के भी इसमें डालेंगे। ये हमारी चटनी तैयार है, आप इसमें चेक कर सकते हैं कि कहीं हमारा नमक तो कम नहीं है, नमक तो इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। चटनी बनने के बाद इसमें हम 1/2 नींबू डालेंगे, इससे इसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये हमने 1/2 नींबू डाल दिया है, ये हमारी चटनी तैयार है। इसके बाद हम अब अपनी दूसरी खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। इतने हम अपनी पकौड़ियों को पानी में डालते हैं, कम से कम इन्हें हम 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखेंगे। अब हम अपनी खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं। यहाँ मैंने इमलियों को थोड़े गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। 2 घंटे हो चुके हैं, हमारी इमली अच्छे से भीग चुकी है। हम हाथों की मदद से इमली को अच्छे से मसल लेंगे ताकि इनका सारा रस निकल जाए। हाथों की मदद से हम ये सारी इमलियों को अच्छे से निचोड़ कर किसी बर्तन में रख लेंगे। अब बचे हुए पानी को हम अच्छे से छलनी में छान लेंगे। ये मैंने आटे वाली छलनी ली हुई है, चाय की छलनी में ये अच्छे से नहीं छनेगी। इसलिए हमें मोटे छेक वाली छलनी लेनी है। अब इसे हम एक बार दोबारा और अच्छे से पानी में, ये जो बची हुई हमारी इमली है इसे एक बार होमर अच्छे से निकाल लेंगे। फिर इसी तरीके से हाथों की मदद से घुमाएंगे, बाकी का जो बचा हुआ इसमें इमली का खट्टापन है वो सब निकल जाएगा पानी में। और फिर इसे हम दोबारा फिर ऐसे छानेंगे। हम दबाते हुए अच्छे से छान लेंगे। हमारा इमली का पानी अच्छे से छन चुका है। ये हमने 200 ग्राम इमली ली थी और 200 ग्राम ही मैं इसमें गुड़ डालूंगी। ये मैंने 200 ग्राम इसमें गुड़ डाल दिया। अगर आप और डालना चाहते हैं तो और डाल सकते हैं, कम डालना चाहते हैं तो कम डाल सकते हैं। अब इसे हम गैस पे रखेंगे। अब हम इसमें खद्दा लगने देंगे अपनी चटनी में और इसे फुल फ्लेम पर रखेंगे। जब इसमें खद्दा लग जाएगा तब थोड़ा गैस को मीडियम करेंगे। अब इसमें हम बाकी के बचे हुए मसाले डालेंगे। यहाँ इसमें मैं काला नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, ये लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, सौंफ धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, 1 छोटा चम्मच हींग पाउडर, यहाँ मैं इसमें थोड़ी किशमिश और काजू के टुकड़े डाल रही हूँ और इसे सारे मसालों को चमचे की मदद से अच्छे से मिलाएंगे। और खद्दा लगने तक हम इसे घुमाएंगे, इससे हमारा गुड़ भी अच्छे से मिल जाएगा। हमारी चटनी में अच्छे से खद्दा लग चुका है और इसमें गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और इसमें मैंने 1 चम्मच सफेद तिल डाल दिया, अगर आप चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, लेकिन मैंने इसमें सफेद तिल डाल दिए हैं। इसे अभी हमें 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है जिससे कि अच्छे से गाढ़ी हो जाए और सभी मसाले इसमें अच्छे से मिल जाए। गैस को आपको मीडियम फ्लेम पर रखना है। हमारी चटनी को पकते हुए 15 मिनट हो चुकी है, ये काफी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम गैस को
बंद करेंगे और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। हमने गरम मसाला डाल दिया है, मीठी चटनी में हमें गरम मसाले की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। गरम मसाले से हमारी चटनी में एकदम बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। गैस को हमने बंद कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के लिए हमने चटनी को दूसरे बर्तन में रख दिया है। अब हमारी चटनी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हम एक प्लेट में पकौड़िया डाल के चटनी को ऊपर से डालेंगे। यहाँ पकौड़ियों को पानी से निचोड़ते हुए पकौड़ी भी काफी ठंडी हो चुकी है। ये मैंने कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दी थी। इनको अच्छे से निचोड़ते हुए अभी हम इसमें खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। ये हमने इमली और गुड़ की बनी हुई खट्टी मीठी चटनी डाल दी है। यहाँ हम हरे धनिए की, जो हमने हरे धनिए की नींबू की चटनी बनाई थी, ये हरे धनिए और नींबू की चटनी। और यहाँ हम इसके ऊपर दही डालेंगे। और अगर आपको मिर्च कम लगे तो मिर्च डाल सकते हैं, लाल मिर्च डाल सकते हैं। यहाँ मैं स्वाद अनुसार लाल मिर्च डाली है। अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारी चाट बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ये खाने के लिए एकदम तैयार है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।